हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर करेंगे द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है और दोनों का जो एरिया है ना वो बराबर है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सिक्सटी मीटर अगर स्क्वायर पार्क की साइड सिक्सटी मीटर है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज नाइंटी मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो नाइनटी मीटर है तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क तो इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड आप बता दीजिए तो जो हमें गिवन है वहीं से हम शुरू करेंगे हमें स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया बराबर दे रखा है अब पार्क का तो एरिया हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसकी तो सिर्फ लेंथ दे रखी है लेकिन स्क्वायर पार्क का एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी साइड दे रखी है तो पहले यही हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क अब स्क्वायर पार्क है तो फॉर्मूला हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड साइड 60 मीटर इन मीटर सिक्स मीटर सिक्स हो गया पीछे के ये दो जीरो हो गए तो थर्टी सिक्स हंड्रेड हो गया मीटर और मीटर तो मीटर का स्क्वायर ये जरूर लगाना आप एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आ गया है थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर स्क्वायर अब जितना ये एरिया स्क्वेयर का है ना उतना ही रेक्टेंगुलर का है इसी चीज को हम यहां पे लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से हमें यह दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बराबर है एरिया ऑफ स्क्वेयर पार्क कि रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया स्क्वायर पार्क के एरिया के बराबर है अब यहां पे स्क्वायर पार्क का एरिया हम निकाल चुके हैं तो सिक्स यहाँ यहां पर रख लेंगे ये मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड तो लेंथ इंटू ब्रेड को हम 3600 के बराबर रख लेंगे और यहां जो चीज हमें दे रखी है वो है लेंथ लेंथ दे रखी है ना 90 मीटर तो इस इक्वेशन के अंदर लेंथ की वैल्यू पुट कर लेंगे 90 मीटर इंटू ब्रेड और ये बराबर होगा थर्टी मीटर स्क्वायर के बस ये इक्वेशन बन गई है यहां से ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 90 है यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 सिक्स यहाँ मीटर स्क्वायर को मैं दो बार ऐसे लिख लेता हूं मीटर इंटू मीटर और ये जो 90 मीटर है ये इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा ये नाइन्टी मीटर तो एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा अब इसका आंसर हम निकालें तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी जीरो से तो जीरो कट गया यहां 360 बचा है 360 को 9 से डिवाइड करें तो 9 फोर जार थर्टी हो गया और ये ऊपर से जीरो आया 9 जीरो जीरो हो गया तो 40 आ गया है और ये मीटर है तो जो ब्रेड तो होगी रेक्टेंगुलर पार्क की वो होगी 40 मीटर यही आपका आंसर है क्वेश्चन खत्म तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय